जिले में एक बार फिर से नई रेलवे लाइन पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा धरमजयगढ़ से लोहरदगा रेल लाइन के लिए सर्वे कार्य के लिए बजट आवंटित करते हुए निविदा प्रक्रिया शुरू करने की सूचना जैसे ही इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रसारित हुई, लोगों में उत्साह दिखने लगा। आशा जताई जा रही है कि इस बार केंद्र सरकार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर रेल लाइन के लिए निर्माण के लिए बजट भी आवंटित करेगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में दो नई रेल परियोजना के लिए सर्वे कार्य को स्वीकृति दे दिया है। इसमें 240 किलोमीटर धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदा रेल लाइन और 128 किलोमीटर सरडेगा पत्थलगांव रेल लाइन शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में जसपुर जिला रेल सुविधा से पूरी तरह वंचित है। देश और दुनिया से संपर्क करने के लिए यह जिला पूरी तरह से हाईवेज और सड़क पर निर्भर है। कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 की हालत भी बेहद जर्जर है। बीते 7 साल में इस सड़क का निर्माण कार्य पूरी तरह नहीं हो सका है। सड़कों की हालत से छुटकारा पाने के लिए जिले में नई रेल लाइन की मांग जोर पकड़ती रही है। इस सर्वे के लिए 6 करोड़ का आवंटन तैयार किया गया है। फिलहाल रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से झारखंड के लिए लोहरदगा तक 240 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के सर्वे कार्य निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 6 करोड़ रुपए आवंटित करने के साथ ही निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। निजी कंपनियों द्वारा भरे गए निविदा फॉर्म को अगले माह 8 अगस्त को खोला जाएगा। इसके साथ ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोरबा लोहरदगा रेल लाइन का सपना का इतिहास 5 दशक से भी पुराना है। इस रेल लाइन का 3 बार सर्वे पूर्ण हो चुका है। जानकारों के अनुसार सबसे पहले 1970 में सर्वे किया गया था। इसके बाद दूसरी बार 1980 में पूर्व रेल मंत्री के होते हुए भी सर्वे कार्य हो चुका है, लेकिन मामला इससे आगे तक नहीं बढ़ पाया। हालांकि बीते 5 दशक के दौरान इस परियोजना में प्रगति जरूर हुई है। झारखंड के गुमला जिले में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ होते हुए कोरबा तक रेल लाइन के विस्तार का काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ लोहरदगा से धरमजयगढ़ के बीच का काम शेष रह गया है। इस पूरे परियोजना में 240 किलोमीटर धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन और 128 किलोमीटर सरडेगा पत्थलगांव नई रेलवे लाइन शामिल है।